आप इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस चूल्हा को ऑन करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे 1.5 लीटर दूध। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध में जब एक अच्छी सी उबाल आ जाए तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हम इस उबले हुए दूध में से आधा कप के जितना निकाल कर दूसरे बाउल में रख देंगे। अब हम इस बचे हुए दूध के अंदर डालेंगे नींबू का रस। आप अगर व्रत में विनेगर खाते हैं तो विनेगर से भी इसे फाड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं दूध बहुत अच्छी तरीके से फट चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक छन्नी में डालकर छान लेते हैं। पनीर को छानने के बाद हम इस पानी को साइड कर देंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी जार के अंदर भर के रखें और दोबारा इसी पानी से आप पनीर फाड़ कर तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे साइड कर दिया है। साइड करने के बाद मैंने जो पनीर छान के छन्नी में रखा है इसको अच्छे से नॉर्मल पानी की सहायता से धो के साफ़ कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी नींबू का खट्टापन होगा वो निकल जाएगा। अच्छे से धो के साफ़ करने के बाद अब हम एक स्पून लेंगे। स्पून की सहायता से इसको हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसके थोड़े से पानी को हटा दिया है। तो चलिए इसे डालते हैं मिक्सी के जार के अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के मिश्री। आप अपने पसंद के हिसाब से मीठा बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे अच्छे से एकदम बारीक पीसकर तैयार कर लेंगे। हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालेंगे, मिक्स कर देंगे। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद हम इसे दोबारा से ढक देंगे। ढक के इसे अच्छे से पीस कर तैयार करेंगे। मैंने इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है ये। तो चलिए अब हम दोबारा से गैस चूल्हा को ऑन करते हैं। इसके ऊपर डालेंगे एक नॉन स्टिक फ्राई पैन। आप इस रेसिपी को बनाते समय नॉन स्टिक बर्तन का ही इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ आप कोई और बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि उसमें ये जो रेसिपी है चिपकेगा, लेकिन नॉन स्टिक में चिपकने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। अब हम इस पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के देसी घी। घी जब हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाए तब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 मुट्ठी के जितना पम्पकिन का सीड, कद्दू का बीज है। आप व्रत में खाते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल कर एक बाउल में डालेंगे। अब हम इसी बचे हुए घी के अंदर डालेंगे पिसा हुआ दूध और पनीर और मिश्री का पेस्ट। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर चलाते हुए ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। जब तक पनीर का पानी अच्छे से सूख रहा है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, तब तक हम एक प्लेट के अंदर डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और इसे अच्छे से फैला लेंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पनीर को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गया है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से पक गया हुआ है, इसका पानी भी सूख गया हुआ है। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर रहने देना है। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस पनीर के मिश्रण को डालेंगे ग्रीस किए हुए प्लेट के ऊपर। अब हम एक स्पून की सहायता से इसे हल्के हाथों से इस तरीके से मैश करेंगे। मैंने इसे हल्का हल्का मैश करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं फ्राई किया हुआ पम्पकिन का सीड, इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आपको जिस भी साइज में बनाना हो उस साइज में इसका लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस
तरह मैंने नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी के लिए सिर्फ दूध से बने लड्डू को बना के सर्व कर दिया है। प्लीज इसे एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।